हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको छलावा की सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो इस कहानी का नाम है छलावा भूत की एक सच्ची दास्तां। ये कहानी तब की है जब मैं अपनी मौसी के घर छुट्टी बिताने गया हुआ था। उस समय मेरी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी। मेरे मौसी जी एक डॉक्टर हैं, तो उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला हुआ है। वे उस क्वार्टर में दूसरे मंजिल पर रहते थे। उनके फ्लोर पर बालकनी थी जिसके पीछे की ओर एक जंगल था। रात के समय उस जंगल से अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम सभी खाना खाकर रात में बालकनी में बैठे बात कर रहे थे कि तभी मेरी मौसी का लड़का हमसे कहने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रात के इस समय इस जंगल के अंदर जा सके। हम सभी हंसने लगे और उससे कहने लगे कि क्या फालतू की बात करता है, भला कोई इस जंगल में इतनी रात में क्यों जाएगा, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो, शामत पक्की है। ये बोलकर हम सब हंसने लगे। वो बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया था, फिर उसका कभी कुछ पता नहीं चला। गांव के लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता के जंगल में बुलाने की आवाज़ आई थी और वो उनकी आवाज़ के पीछे पीछे उस जंगल में चला गया और फिर कभी भी किसी ने उसे नहीं देखा। मैं हंसने लगा कि ये तो झूठी कहानी है, अगर वो लड़का लौटा ही नहीं तो लोगों को किसने बताया कि वो आवाज़ उसके पिता की थी। वो बोला क्योंकि उसके पिता उससे थोड़ी दूरी पर थे और उन्हें भी वही आवाज़ सुनाई दे रही थी, मतलब उनको बुलाने की, उनकी ही आवाज़ में कोई उनके बेटे को अपनी ओर पुकार रहा था। जब वे दौड़कर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनका बेटा नहीं था, इसलिए कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाता। मैं अपने मौसेरे भाई की यह कहानी सुनकर हंसने लगा कि वाह क्या बात है, जंगल का भूत जो लोगों को गायब कर देता है। फिर हम सभी उठकर टीवी देखने चले गए और थोड़ी देर बाद मैं उस बालकनी में जाकर थोड़ा फ्रेश होने, हवा खाने चला गया। रात का समय में उस जगह पर अच्छी खासी हवा चल रही थी और मैं उस जंगल की ओर मुंह करके देखने लगा कि आखिर कौन होगा वहाँ। क्या वो सच था कि तभी मैंने अपने मौसेरे भाई को उस जंगल के किनारे खड़ा देखा। वो मेरी ओर नज़र करके हंस रहा था और मुझसे इशारे में कह रहा था कि तुम भी यहाँ आओ। मैं चौंक गया कि अभी तो वो टीवी देख रहा था, फिर नीचे कैसे पहुँच गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ वो नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद ये नीचे चला गया है और मुझे भी नीचे बुला रहा है। वो मुझसे बोला कि देख क्या रहे हो, नीचे आओ, थोड़ा देर सैर करते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम लेते हैं, तो मैं नीचे जाने के लिए दरवाजे तक गया ही था कि तभी मैंने देखा कि मेरा भाई तो टॉयलेट करके बाहर आ रहा है। ये देखकर मैं सकपका गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ नीचे कौन है। मैं उससे बोला कि तुम तो नीचे थे, इस बाथरूम में कब आए। वो बोला कि मैं तो यहीं था, मैं तो बाथरूम गया ही नहीं हूँ, तुम क्या बोल रहे हो। मैं उससे बोला कि मैंने अभी अभी तुम्हें उस जंगल के किनारे देखा था और तुम तो मुझे बुला भी रहे थे। वो बोला मजाक मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊँगा, मुझे पता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं नहीं डरने वाला। इतना कहकर वो टीवी देखने चला गया।
मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने अभी क्या देख लिया है। उसी रात में जब सो रहा था तब किसी की मुझे पुकारने की आवाज़ आ रही थी। वो जो भी था मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम तो आए ही नहीं। देखो जल्दी आओ, फिर हम दोनों साथ में इस जंगल के अंदर घूमेंगे। इस बार यह आवाज़ मेरे भाई जैसी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे बूढ़े आदमी की थी जो काफ़ी लंबा होगा और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता होगा। रात भर मुझे उसकी आवाज़ आने लगी और फिर जब सुबह मैंने सबको ये बात बताई तो सब ने मुझसे कहा कि ऐसा होना यहाँ आम बात है, तुम उस ओर ध्यान मत दो और अपना काम करो और भूल कर भी उस जंगल की ओर मत जाना। उसके कुछ दिन बाद भी मुझे उस जंगल की ओर से आवाज़ें आती रहीं, फिर वो आवाज़ें आना रुक गई। इस घटना के कुछ दिन बाद मेरे पापा मुझे लेने आए थे क्योंकि मेरी गर्मी की छुट्टी भी ख़त्म होने वाली थी। उस जंगल में रहने वाले लोगों को छलावा कहते हैं और जो कोई भी उसके पीछे जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो इस छलावा की कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करो यार इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को। महीने भर से ज़्यादा हो गया, एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है यार, बढ़ा दो, शेयर कर दो, बढ़ा दो यार कुछ सब्सक्राइबर। चलते हैं, टट्टा, बाय बाय।